दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से आप जो है सहज जनसेवा केंद्र ओपन कर सकते हैं। कई जगह जो होता है सीएमएस जनसेवा केंद्र अवेलेबल नहीं होता, वहाँ पे सहज जनसेवा केंद्र अवेलेबल होता है, तो किस तरीके से आप अप्लाई करोगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। नए रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, तो किस तरीके से करना है चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मेरा नाम अनुपम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एक्ट्राटेक वर्ल्ड। तो सबसे पहले आपको जाना है इस लिंक पे retail.sahaj.co.in/registration, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करते हैं कुछ इस तरीके से रजिस्ट्रेशन आपके सामने ओपन होता है, सहज की वेबसाइट ओपन होती है। अब यहाँ पे एक पॉपअप आपके सामने आ जाता है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है अगर आपके पास पहले से कोई SMK ID है तो वो डालिए, वरना यहाँ से आपको स्किप टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपका एंट्री देखिए आइडेंटिटी टाइप पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको इंडिविजुअल डाल देना है। फिर SM कैटेगरी में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, यहाँ पे सहज मित्र आपको डाल देना है। फिर यहाँ पे रूरल से हैं या अर्बन से, यानी कि गांव से बिलोंग करते हैं या फिर शहर से बिलोंग करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको डाल देनी हैं। तो यहाँ पे अर्बन डाल देता हूँ मैं, कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज ओपन हो जाता है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे आप आ जाइए तो आप यहाँ पे मिस्टर या मिसेज जो भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम डाल देना है, देन मिडिल नेम है तो वो डाल दीजिए या फिर लास्ट नेम डाल दीजिए। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है वो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं, तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आप डाल दीजिए। ओके, तो हम डाल देते हैं। उसके बाद में जेंडर जो है आपका वो आपको डाल देना है। फिलहाल मैं ये डेमो के लिए फॉर्म भर रहा हूँ, आप जो जानकारी है वो सही सही डालिएगा। देन यहाँ पे आपको नेशनलिटी चूज कर लेनी है और मैरिटिकल स्टेटस। फिर यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल देना है, तो यहाँ पे जो भी आपका है नंबर वो डाल दीजिए और उसके बाद में वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक कर दीजिए। वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक करते ही आपके उस नंबर पर एक OTP चला जाता है जो 6 डिजिट का होता है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है जब तक कि OTP आ जाए। OTP आने के बाद में वो 6 डिजिट का OTP आपको यहाँ पर डाल देना है। तो मेरा OTP आ चुका है, तो मैं यहाँ पर उसको एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद में कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए आपको email ID डाल देनी है, तो यहाँ पर हम email ID डाल देते हैं और उसको भी सेम प्रोसेस रहेगा। आपको क्या करना होगा, यहाँ पे वेरीफाई ईमेल पे क्लिक कर देना होगा, तो जो email ID आपने डाली है उस पर भी सेम जो है मेल चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, मेल को कर लेना रिफ्रेश। रिफ्रेश करते ही आपके सामने जो है जो मेल भेजा गया है वो आपको आ जाता है। सो यहाँ पे देखिए मेरा मेल जो है रिफ्रेश हो रहा है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे OTP आ चुका है, तो यहाँ से भी आपको क्या करना है, OTP उठा लेना है 9617 53। ओके, 9617 53, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे आपका मोबाइल भी जो वेरीफाई हो चुका है और ईमेल भी। फिर यहाँ पे कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं, मान लीजिए आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो तो डाल सकते हैं, बाकी ऑप्शनल है, डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे आपके गार्जियन की डिटेल्स, आपके फादर का क्या नाम है तो वो आपको डाल देना है जो भी है। आगे बढ़ते हैं। सो उनका रिलेशन आपसे क्या है, फादर हैं, मदर हैं या फिर पत्नी हैं या फिर पति हैं। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते ही देख सकते हैं इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन होता है। अब यहाँ पे आप वेट कीजिएगा थोड़ा सा जब तक ये अपना वेरिफिकेशन करता है। अब यहाँ पे आपकी जो प्राइमरी डिटेल्स थी वो भर चुकी हैं, अब बैंक डिटेल आपको डालनी है। तो आपका किस बैंक में आपका अकाउंट है वो यहाँ पे पूछ लेता है, तो जो भी आपका बैंक अकाउंट हो वो यहाँ पे आप डाल दीजिए। फिर आपसे पूछा जाता है IFSC कोड, तो मैं एक्सिस बैंक डाल दिया हूँ, कोई भी एक IFSC उठा लेते हैं। ओके, सो मैं सिर्फ डेमो के लिए फॉर्म भर रहा हूँ, आप लोग जो है बिल्कुल सही सही डिटेल डालिएगा। फिर यहाँ पे नेम क्या है वो आपको भर देना है। फिर आपका अकाउंट नंबर क्या है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। फिर अकाउंट टाइप सेविंग अकाउंट है या करेंट अकाउंट है वो यहाँ पे डाल दीजिए। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। फिर नेक्स्ट, आप जो सारी डिटेल डालिएगा वो सही डालिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। ओके, उसके बाद में यहाँ पे लोकल रेफरेंस डिटेल डाल दीजिए। अब इसके बाद में किसी भी एक जैसे बोलते हैं गवाही इस टाइप का, तो यहाँ पर आपको कोई भी नाम डाल देना है। और फिर उनसे आपका रिलेशन क्या है, फादर हैं, मदर हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर, हस्बैंड, वाइफ या कोई फैमिली मेम्बर है या फ्रेंड है, जो भी है डाल दीजिए। फिर उनका यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको डाल देना होगा, ठीक। और फिर उनके बाद में जो इनका एड्रेस हो वो डाल दीजिए, रेफर्स रेसिडेंट एड्रेस। ओके, तो यहाँ पे मैं भी
कुछ भर देता हूँ। फिर यहाँ पे हैव यू एवर हैड अ पुलिस कन्विक्शन, तो यहाँ पे नो कर दीजिए और सारे में नो रहने दीजिए। फिर यहाँ पे सेव इन कंटिन्यू पे आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही आपका फिर से जो है आगे की ओर बढ़ता है रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब हम आ चुके हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग सेक्शन पे। तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट डिजिटल भी हो सकता है और स्कैन्ड भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, ब्राउज करना है, तो जो भी आपका इमेज है वो यहाँ पे आपको अपलोड कर लेना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ इस तरीके से आ जाता है, तो कोई सा भी एक अपलोड कर देते हैं, अपना थंबनेल ही अपलोड कर देते हैं अपलोड। और आपको क्या करना है, सही सारी चीज़ें जो है बिल्कुल सही सही अपलोड करनी, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपको जो है पोर्टल वो चाहिए। तो ये सहज पोर्टल होता क्या है, अभी जब तक अपलोड कर रहा हूँ साथ ही साथ मैं यहाँ पे आपको बताए दे रहा हूँ कि दोस्तों यहाँ से आपको EDST की सर्विस मिल जाती है, साथ ही साथ इनके प्राइवेट पोर्टल की जो भी सर्विसेज है वो मिल जाती हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पे आपसे पूछा रहा है कि आपके पास आधार कार्ड है, तो यस कर दीजिए। अगर है फिर आधार कार्ड भी अपलोड कर दीजिए। मैं बस डेमो कर रहा हूँ इसलिए मैं कोई भी फाइल अपलोड कर दे रहा हूँ। साथ में आपको यहाँ पर वो आधार नंबर एंटर भी कर देना है। साइड आएंगे, अब यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार लगा दीजिए। ओके, ऑलरेडी अपलोड हो गया, इसमें भी आधार लगा दीजिए, सेम चीज़ रहेगी। आपके पास GST नंबर है या नहीं, तो यहाँ पे है तो यस कीजिए, वरना नो कीजिए। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास डेस्कटॉप है, तो यहाँ पे आपको बता देना क्या क्या है। डेस्कटॉप है, प्रिंटर है, लैपटॉप है, स्कैनर जो है प्रिंटर में ही आता वो भी है, वेबकैम लैपटॉप में आता वो भी है। रिव्यू एंड सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप रिव्यू एंड सबमिट पर क्लिक कर देते हैं, सो दोस्तों आप देख पाएंगे ये देखिए नीचे अपलोडिंग चल रही है, यानी कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो अपलोड हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे आपसे इस तरीके का एक पेज आता है जहाँ पे आपको वेरीफाई योर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, यानी कि जो अभी आपने डिटेल भरी वो सारी की सारी यहाँ पे आपको शो करेगा। अब यहाँ पे आपको एडिट सबमिट दिखाई देता है। एडिट का मतलब अगर आपने कुछ गलती कर दी तो एडिट कर दीजिए, वरना सबमिट कर दीजिए। तो फॉर्म को क्या कर देना आपको, सबमिट देखने के बाद में सारी चीज़ें। और इस तरीके से देख सकते हैं कि आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है जो कि आपको लिख लेना है या प्रिंट कर लेना है। साथ ही साथ आपके पास मैसेज भी आ जाता है, और ये अब यहाँ पे लिखा हुआ वी विल रिवर्ट विद इन 3 वर्किंग डेज। ओके, 3 वर्किंग डेज में आपका फॉर्म बता दिया जाएगा एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का स्टेटस भी दिखाई देता है। तो आपको उसी रजिस्ट्रेशन जो एप्लीकेशन ID मिली थी उससे आप चेक जो है कर पाएंगे। सो अब आपको बता देते हैं कि सहज में आपको सर्विसेज क्या क्या मिलती हैं। सो दोस्तों EDST की जो सर्विसेज होती हैं, जाति बनाना, आय बनाना, निवास बनाना, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें आप EDST पोर्टल से बनाते हैं। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे पोर्टल एक बार लॉगिन करके दिखा देता हूँ, सेवा केंद्र लॉगिन EDST का पोर्टल जो भी है। सो कई सारे लोगों के मन में कई सारे क्वेश्चंस होते हैं कि इस पोर्टल को क्यों लें, कई सारे लोग सहज पोर्टल के बारे में नहीं जानते हैं। सो इस तरीके से यहाँ पे आपको यूज़र ID पासवर्ड मिल जाता है, और उसके बाद में आपको यहाँ पे कैप्चा सबमिट, मेरे अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं तो मैं वहाँ पे करके दिखाया हूँ आपको। सो इस तरीके से आपको सर्विसेज मिल जाती हैं। चार्ज की बात करें तो रजिस्ट्रेशन फ्री है, बाकी डिपेंड करता है आपके एरिया, आपके लोकेशन के ऊपर कि आपको जो है जनसेवा केंद्र का कितना पैसा चार्ज किया जाएगा। तो उसके बाद में जो है आप जब अप्लाई कर लेते हैं, आपका वेरीफाई हो जाता है, आपके लोकेशन में अवेलेबल होता है, देन आपको कॉल किया जाता है। कॉल करने के बाद में आपको सारी डिटेल्स बताई जाती है, जो भी आपका DM होगा यानी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर वो आपको सारी चीज़ें बताएगा जो भी सहज का होगा। तो उसके बाद में वो आपसे बात करेंगे कि इतना पैसा लगेगा, देन आपको अगर आपके पास पैसा है तो आप ले सकते हैं, आपके पास पैसा नहीं है तो आप अप्लाई ही मत करें। तो जिन लोगों का एड्रेस इसमें नहीं आता या वेरिफिकेशन नहीं होता वो CMS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किस तरीके से अप्लाई करते हैं वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उसमें जो है एक अमाउंट जो होता है वो फिक्स होता है, इसमें कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता है। जो भी आपको बताया जाएगा वो आपको देना पड़ेगा, बाकी आपके ऊपर है कि आप उनसे बात करके कम ज़्यादा करवा सकते हैं। और जो CMS में होता है वो 5,000 फिक्स हो गया है अभी, 9,000 था पहले, फिर उसको कम करके 5,000 कर दिया गया है जो कि फ़िक्स है। यानी आप एप्लीकेशन फ्री में डालिए और उसके बाद में जब वेरीफाई हो जाएगा तो 5,000 रुपये का पेमेंट कर दीजिए, CMS आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पे भी वही सिस्टम है, फ़िक्स नहीं है। बस क्या फ़ीस हो सकती है, फ़ीस लगभग 10 से 15,000 या 10 से कम भी हो सकती है। तो यहाँ पर कुछ भी फ़िक्स नहीं है, आपकी लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है।
सो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि न्यू वीडियोज़ नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। और चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं है, तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे सहज के लिए। सहज जन सेवा केंद्र के लिए बहुत सारी सर्विसेज आपको इसके साथ मिल जाती हैं, तो अच्छे से काम कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कीजिए, आपकी सर्विस पे मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।